उत्तराखंड में शहीदों को मिलने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। शहीद दिवस पर वीरों की भूमि उत्तराखंड में करगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने करगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने वीर शहीदों के परिजनों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करगिल युद्ध में माँ भारती की रक्षा के लिए हमारे वीर जवानों ने पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। आज के इस अवसर पर जिसने हमारे इतिहास की एक विजय गाथा लिखी, भारतीय सेना का जो शौर्य पराक्रम जो हमेशा हम सबके स्मरण में रहेगा, मैं सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी भारत माता के वीर जवानों को नमन करता हूं और अपने वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता है, हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे। और हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अभूतपूर्व पराक्रम और महान धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को भारत की सीमा से खदेड़ कर विजय दिलाने का काम किया था। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया, वो हम सबको ले हमेशा स्मरण में रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों के परिजनों के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने घोषणा में कहा कि राज्य में शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की उम्र 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। शहीदों के आश्रितों को अब जिला अधिकारी कार्यालयों के अलावा अन्य विभागों में ग्रुप सी और डी की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को आउटसोर्स कर्मियों की तरह छुट्टियां भी दी जाएंगी। तो इस अवसर पर मैं आज घोषणाएं कुछ करना चाहता हूं। जैसा कि अभी हमारे जोशी जी ने भी कहा मुझे, और मैं बहुत दिनों से इस सोच में था, और मैं जब पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था तो मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था कि इन राज्यों में हमारे जो शहीद सैनिक होते हैं उनके परिजनों को इतने रुपए की धनराशि दी जाती है, इतना ही दिया जाता है, हमारे राज्य में यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो पहली बार मुझे याद है कि 10 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। वो प्रश्न भी मैंने ही उठाया था उस समय विधानसभा के अंदर। आज अभी जोशी जी ने मुझे याद दिलाया, और मैं बहुत जगह पर लोगों से जब बात करता हूँ, अन्य राज्यों का भी मैंने आकलन किया है, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूँ कि इससे सर्वोच्च बलिदान कोई हो नहीं सकता। ये सर्वोच्च बलिदान है, इसके लिए हम जितनी भी राशि कर दें वो राशि कम है, हम जितना भी सम्मान करें वो सम्मान भी कम है। इसलिए जो इस समय में वर्तमान में जो राशि दी जा रही है वो 10 लाख रुपए दी जा रही है, मैं आज घोषणा करता हूं कि ये राशि अब 50 लाख रुपए होगी। अभी तक सही प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन देना होता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा। हमारे राज्य में शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है। अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ग और घ के स्वीकृत पदों में रिक्ति होने पर ही आश्रितों को नौकरी मिलती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि संबंधित जिलों में अन्य विभागों में भी जो कनिष्ठ सहायक है एवं समूह घ के पदों पर रिक्त होने पर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि नौकरी मिलने में होने वाली देरी या जो भी बाधा है
उनको किसी प्रकार की परेशानियों का आप सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत जो हमारे संविदा के कार्मिक हैं, उनको उपनल कार्मिकों के समतुल्य अवकाश अनुमन्य करने की भी मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं। अंत में पुनः मैं उन सभी वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बता दें कि भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध करीब 60 दिनों तक चला था, जिसका अंत 26 जुलाई को हुआ था, जिसमें भारत विजय रहा। इस करगिल युद्ध में भारतीय सेना के 527 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से उत्तराखंड के 75 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इसके अलावा करगिल युद्ध में 453 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।